नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में कमाल के आटे के बारे में बताऊंगा। एक जादुई आटा जो आपका वजन भी कम करवाएगा और आपकी बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर देगा। आटा तो आप हर रोज खाते ही खाते हैं, तो ये आटा एक बार ट्राई करके देखो। बहुत महंगा भी नहीं है और सब जगह बड़े आसानी से मिल जाता है। तो आटे के बारे में बताऊंगा, साथ में इस वीडियो में एक इंटरव्यू भी आप लोगों को सुनवाऊंगा धानु खत्री जी का। धानु जी ने अपना 17 किलो वजन कम कर लिया और उनकी बेटी ने उनको देखकर 8 किलो वजन कम कर लिया। बहुत खुश हैं वो। उन्होंने कैसे किया वो अपने मुंह से इसी वीडियो में बताएंगी, तो उनको भी सुनेंगे। अब बात करते हैं उस जादुई आटे के बारे में। कमाल का आटा है। क्यों कमाल का आटा है? आप में से बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि ग्लूटिन की वजह से उनके पेट में दिक्कत रहती है। ग्लूटिन एक तरीके का प्रोटीन है जो आटे में पाया जाता है, गेहूं के आटे के अंदर पाया जाता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पेट में प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ग्लूटिन क्या होता है? वो चिपकने का काम करता है। तो बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, गैस है और उसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती है और वजन भी कम नहीं हो पाता। लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो वो आटा है कौन सा जो ग्लूटिन फ्री है? इस आटे का नाम है ज्वार का आटा। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले इसे खाया भी होगा। कुछ राज्यों में तो ये नियमित रूप से खाया जाता है। इसे मोटा अनाज यानी कि मिलेट कहा जाता है और बड़ी आसानी से सब जगह लगभग हर दुकान, हर किराने की दुकान के ऊपर ये मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता तो ऑनलाइन देखो तो अमेज़न के ऊपर मिल जाएगा। इसके फायदे क्या है? एक तो ये ग्लूटेन फ्री है, सबसे बड़ा। आपके पेट में जो अभी तक समस्या रहती थी, पेट में गैस हो गया, ब्लोटिंग हो गया, ये सब इसमें नहीं होने वाला। आप लोगों को ये आटा लेने का और सबसे बड़ा फायदा क्या है? फाइबर से रिच है ये। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वो ये आटा ट्राई करके देखो एक बार। ये आटा खाने के बाद आपका पेट, अगले दिन टॉयलेट जाओगे एकदम बड़े आराम से फ्लश आउट होगा, पेट बिल्कुल खाली हो जाएगा। जिसका पेट साफ है उसके जीवन में बीमारियों का आने का कोई मतलब नहीं और वजन घटाने में भी उसे बड़ी सहायता मिलेगी। और क्या है, फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये वेट लॉस भी करवाता है। क्यों? जिस चीज के अंदर फाइबर ज्यादा होगा वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, जिसे सटाइटी बोलते हैं। यानी कि हमारे ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा बहुत थोड़े से खाने में कि अब और नहीं खाया जा रहा। ऐसा होने से क्या होगा, जब आप ज्यादा नहीं खाओगे तो कम कैलोरीज अंदर जाएगी और आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। साथ में ये क्या करता है, आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है। वही जो फाइबर का कंटेंट इसके अंदर ज्यादा है, उस फाइबर के कंटेंट की वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो गेहूं से बहुत अच्छा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या बोलता है कि ये आपके शरीर में कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है, कॉम्प्लेक्स कार्ब होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है, जो कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के अंदर बहुत ही कारगर माना गया है। तो ब्लड शुगर अगर कंट्रोल हो गया तो डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी। जिनको डायबिटीज नहीं है उनको वेट लॉस में मदद मिलेगी। वेट लॉस में तो कमाल के इसके परिणाम आ रहे हैं। जो लोग इसको खा रहे हैं, बहुत कम इसका खाना खाया जाता है और फिर उसके बाद उन लोगों ने यह भी बताया कि हमारा पेट भी अच्छे से साफ हो रहा है। और यही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, आयरन तो इसमें प्रचुर मात्रा के अंदर भरा हुआ है। आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आपकी हड्डियों को भी ताकत देता है। इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है। एक बहुत ही अच्छा मिलेट है जिसे आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर पूरा का पूरा आप ज्वार का आटा नहीं ले सकते तो जो अनाज आप खाते हैं उसमें 50% ज्वार के आटे को मिला दीजिए और फिर उसकी रोटी बना के लीजिए। आपको इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा और मजा आ जाएगा। अगर आप इसे 32 बार के फॉर्मूला के साथ खाते हैं, 32 बार का फॉर्मूला क्या है जो मैं हमेशा बताता हूं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने और हर निवाले को खूब चबाना, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते कम से कम 32 बार चबाना, ज्यादा से ज्यादा 40 बार, 45 बार और खूब समय लो। जितना ज्यादा समय लोगे उतना जल्दी वेट लॉस होगा। तो ये आप करो। 32 बार का फॉर्मूला भी पूरा डिटेल में उस इंटरव्यू के अंदर भी बताया हुआ है। और जो लोग मेरी वीडियो को पिछले कई सालों से देख रहे हैं और वो ये बोलते हैं कि सर हमारा अभी भी वजन कम नहीं हो पा रहा, उन लोगों के लिए मैंने एक कमाल का कोर्स बनाया है जिस कोर्स का नाम है 32 बार मास्टरी कोर्स।
ऐसा कोर्स है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। उस कोर्स को लेने के बाद ना कोई ऐसा इंसान बचेगा नहीं। सिर्फ 10 दिन उस कोर्स के अंदर 10 चैप्टर दिए हुए हैं, वो 10 चैप्टर सुनो, डिटेल के अंदर वो टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं जिससे आप लोगों से 32 बार करने में चूक ही नहीं लगेगी। तो वो कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ज्वार का आटा अपनी डाइट के अंदर ऐड करो, 32 बार का फॉर्मूला करो, मजा आ जाएगा। अभी सुनते हैं धानु खत्री जी को, चलते हैं अपने इंटरव्यू पे। कितना वेट लॉस हुआ है मैडम आपका? अब मेरा 17 kg हो गया है। 17 किलो वजन कम हो गया? अरे हाँ जी, वाह वाह वाह। और कितने दिनों में हुआ? ये मेरा मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था। जनवरी से किया था। ओके। कि आपकी जो डॉटर है उनका भी वजन कम हुआ, आपकी बेटी का भी? और 15 ईयर्स की है, और उसका सब मैम को फोटो भेजा था ना, तब 7 kg था, अब 8 kg हो गया है। और अरे वो वाह, आज स्कूल नहीं हुई है गए उसकी, हैं। सेकेंड, हाँ सेकेंड शिफ्ट में है। मेरा वेट लूज हाल 8 और 8 kg से हुआ है, और मुझे मोटिवेशन मेरी मम्मी से मिली है। मेरी मम्मी जी का जैसे जैसे वेट लॉस हुआ तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे वेट लॉस करना है। धीरे धीरे वेट लॉस होना भी स्टार्ट हुआ, बीच में स्टक भी हो गया, पर धीरे धीरे वापस रिकवरी भी होने लगी और मेरा वेट लॉस वापस स्टार्ट हुआ है। और मुझे सबसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं मेरे फ्रेंड से, मेरे टीचर से, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि आपने हम सब लोगों को, BBC कम्युनिटी को, एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जिससे कि वेट लॉस बिना एक्सरसाइज के। और मैं सर 10th स्टैंडर्ड में हूँ, राजस्थान बोर्ड है मेरा, तो मुझे स्टडी पे फोकस करना है, तो एक्सरसाइज भी इतनी नहीं हो रही है मेरी, कंटिन्यूसली वॉक स्टार्ट है, पर मैं अपना वेट लूज कर रही हूँ, मेरा धीरे धीरे वेट लूज हो भी रहा है। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे कॉम्प्लीमेंट सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि वेट लॉस हो रहा है मेरा, और हाल तो जर्नी स्टार्ट हुई है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ जब मेरा 20 kg वेट लूज होगा तब मैं खुद एक बार आपको मैसेज करूँगी और मेरा अलग से एक इंटरव्यू का वीडियो बनेगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर दी फॉर्मूला दैट यू हैव गिवन टू अस, वंस अगेन थैंक यू। धानु जी कैसा लग रहा है आपको ये 17 किलो वजन कम होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे क्या था, बूटी पेन बहुत होती थी और मेरा वजन 9 था। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोलते वजन कम करो, मैंने 2 साल पहले और वजन कम किया था। 80 kg तक मैं, मतलब 60 kg मैंने लूज किया था, उसके अच्छा। बाद मेरे पूरी बॉडी में पेन होने लगा और मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, जो डाइटिंग करती थी, जिम जाती थी, वो सब छोड़ दिया, तो वापस मेरा वजन आ गया। और मेरे तो बॉडी पेन कर रहा है, डॉक्टर बोलते वजन कम करो, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो मेरे को पता है मेरा बॉडी पेन हो रहा है, मेरे से ना तो जिम होगा, नहीं वॉक हो रही है, मेरे मतलब लेग में बहुत पेन होता है। फिर मैंने यूट्यूब पे किया, सबसे सरल तरीका वेट लूज का, तो सर आपकी वीडियो, और मैंने देखी। और रात में मैं ना 2 रोटी करती थी 30 दिन में, धीरे धीरे करते मैं अभी 1 रोटी पे आ गई हूँ। हाँ अच्छा, एक ही रोटी खा पाते हैं आप? नहीं, तो कोई कमजोरी महसूस होती है जब कम खाना खाते हो? बिल्कुल नहीं होती है। और पहले मेरा ना ग्लोबुलिन 10 से कभी ऊपर आया ही नहीं, और अब मेरा 12-13 के बीच रहता है। अगर बोलते हैं हीमोग्लोबिन? कम खाने से, हाँ और अच्छा। बोलते हैं कम खाने से कमजोरी आएगी, हाँ मेरे तो हाँ उल्टा ग्लोबुलिन बढ़ गया है। मैंने 4 दिन पहले है ना अहमदाबाद दिखा के डॉक्टर को, तो जी उधर डॉक्टर ने पूछा, मैंने मतलब बॉडी पेन अभी मेरा होता है अहमदाबाद दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कितना वजन है, मैंने कहा मैंने 70 kg लूज किया है, तो वो बोलते दवाई लेके किया इसलिए आपकी बॉडी पेन होती है। मैंने बोला कि कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया है, मैंने बता वाला फॉर्मूला किया है, और डॉक्टर भी हंसने लगे, कौन सा फॉर्मूला, हमें भी पता। और मेरा फोटो देखता है ना तो मेरे को सब मैसेज करते हैं, तो पतली लग रही है, पतली लग रही है, तो मैं सबको आपकी वीडियो की लिंक भेजती हूँ, तो आप भी 32 बार। और मेरी बेटी, उसने भी है ना सब कुछ खाया, ऐसे नहीं कहे कुछ छोड़ा है, मैंने उसने 32 बार किया, तो उसके भी है ना आपने फोटो देखे होंगे, काफी हाँ उसका भी
उसको भी जी स्कूल में बहुत पसंद, जी वेट भी हो गया है। तो स्कूल और में, जब वो जाती होगी अब तो कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे बहुत। हाँ सर भी देते हैं, मैम भी देते हैं, उसकी फ्रेंड है वो भी कहती है, वो स्कूल जाती है ना इतनी खुशखुश होती है, मम्मी आज मेरे को सबने बोला पतली लग रही, पतली लग रही। तो आपको अपना वजन कम होने की ज्यादा खुशी है या बेटी का वजन कम होने की ज्यादा खुशी है? वेरी बेटी की गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो पहले शुरुआत आपने की होगी, बाद में आपको देख के आपकी बेटी ने भी शुरू किया। हाँ बॉडी पेन के क्या हालात हैं जी? बॉडी पेन में मतलब काफी रिलीफ है। हाँ काफी रिलीफ है। ओके, तो अभी जो पहले कपड़े आते थे वो कपड़े अभी सब ढीले हो गए? हाँ जी हाँ, तो कपड़े ना, खरीदे उसके बाद, पतले होने के बाद कपड़े खरीदे आपने? हमारे यहाँ पर साड़ियाँ ही पहनते हैं तो ब्लाउज की फिटिंग मैं इतना कर लेती हूँ, जी। और अभी हम घूमने गए थे 10 दिन का टूर हमारा, तो मैंने उधर आइसक्रीम होटल का खाना सब कुछ खाया, 32 बार भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं ग्रीन टी थी, मेरे को टेंशन हो रही थी मेरे को मेरा वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। घर पे आके चेक किया, सबसे पहले आके वजन चेक किया, 1 ग्राम भी नहीं बढ़ा, और मैंने 10 दिन तक आइसक्रीम, मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है ये कोई जादू है क्या है। थैंक मैडम यू सर आपने ये फॉर्मूला हमको दिया। थैंक यू तो भगवान का करो। मैंने कहा मैं देने वाला कौन हूँ, उसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा जो मेरे शब्दों में आ गया नहीं है। रोटी के कितने टुकड़े कर लेते हो एक बार जब रोटी खाते हो? पहले तो मैं 25 टुकड़े करती थी, अब 35 मेरे 35 तक तो हो ही जाते हैं। तक हो जाता है, 35 टुकड़े एक रोटी के। हाँ और अभी भी करती हूँ टुकड़े, तो मैं रोज करती हूँ, अभी मेरे 6 महीने हो गए हैं, हाँ मेरे को हाँ ऐसा होता है नहीं करके रखो तो थोड़ा सही रहेगा। तो एक टुकड़े को कितनी बार चबाते हो? अब पहले तो मैं 32 32 तक गिन के करती थी, अब तो आपने बोला कि धीरे जितना चबाओगे तब वेट लूज होगा, हाँ, अब तो आराम से हो जाता है। 50। हाँ अच्छा, 50 बार आराम से चबा लेते हो। और क्या बोलते हैं, अपना समय कितना लगता है आपको खाना खाने में? 45 मिनट लग जाते हैं। 45 मिनट्स लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इतना समय देना अच्छी बात है या बुरी बात है? सबको देना चाहिए इतना समय खाने के लिए? मैं तो ये सोचती हूँ आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, इतना टाइम जिम में जाओ, वॉक करो, वो करो, इससे अच्छा तो घर पे बैठे। और ये सबसे अच्छी चीज किसके लिए, जो औरत बाहर नहीं जा सकती, लेडीज अलाउड नहीं होता जिम, और जी मेरे ब्यूटी में तो मैं वॉक अब शुरू की है, मतलब महीने हो गए मैंने वॉक शुरू की है। घर में जो बनता है छोले भटूरे भी खाए, मिठाई भी खाई, खुद को ऐसा लग रहा है कि ये जादू है वास्तव में सर, अपने अपना मन तो नहीं मारना पड़ता किसी चीज के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप ग्रीन टी भी पीते हो? हाँ सर मेरा वेट लूज 32 साल ग्रीन टी से ही हुआ है, मेरे से वॉक शुरू से वॉक नहीं होती थी, एक्सरसाइज नहीं होती थी, हाँ, कितनी अब मैं आती हूँ। बार पीते हो दिन में ग्रीन टी? 2 बार, दोपहर के खाने के बाद रात को, उन्होंने कब से करना शुरू किया आपकी डॉटर ने? उसको 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। 4 महीने हाँ में करीब 8 किलो कम हो गया उनका भी। और कहीं से उसने सब कुछ खाया। उसको तो वीकनेस महसूस नहीं होती हो? बच्ची तो खूब खेलती होगी। हाँ बिल्कुल भी नहीं, ट्यूशन बदल जाती है, काफी अच्छा। दूर है तो मम्मी मैं बदल जाऊंगी। अब पहले तो उसका ना मेरी बच्ची का अंदर का जो चीज था ना बहुत डबल हेवी था, जी मेरे भी जी मुंह है ना सब बहुत बोल था, जी कहाँ चला गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब लोगों के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और आपके हस्बैंड के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी वीडियो देखती हूँ ना, वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये क्या मैं घर पे आया हूँ तो जोर को तो 32 बार ही दिख रहा है, सभी खर्च सारे दिख रहे हैं। तो खाना खाते समय वीडियो देखते हो आप ये? हाँ जी देखते हैं। अच्छा मैडम, बहुत लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि जी हमारे से तो 32 बार हो नहीं पा रहा सर, जल्दी अंदर चला जाता है। उनको क्या करूं, क्या बताऊं उनको कि क्यों ना जाए उनका?
अरे देखो, मैं मतलब शुरू किया था ना, तो मेरे से 20-25 बार ही हुआ था, तो मैंने छोड़ा नहीं। अब मैं 50 तक पहुंच रही हूँ, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, करते जाओ। 25 बार नहीं होता तो 25 बार ही करो, 20 बार भी करो, धीरे धीरे अपना वेट लूज होगा ना, तो अपना आप अंदर से होगा कि हम इसे ज्यादा करें, इसे ज्यादा करें। मेरे को जीन्स पहनने का बहुत शौक था, मैं जीन्स पहनू, तो मोटापे की वजह से पहन नहीं सकती थी। कभी सोचती मन खुद ही, मतलब हस्बैंड को बोलती थी, बोला कि मोटी अच्छे नहीं लगेगा, और बच्चे बोलते थे। अभी हम घूमने गए थे ना, तो मैंने अपनी बेटी को, उसके लूज हो गई जीन्स, वो साथ में लेके गई, किसी को कहा ही नहीं मैंने, और उधर जाके पहन, सब बस बहुत खुश हुए, हाँ तू जीन्स पहनने जैसी हो गई। वेरी गुड वेरी गुड। कमर का साइज कितना घट गया होगा पहले से अभी तक? 6 इंच घटे हैं। 6 इंच घट गए? अरे वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब मतलब अब कॉन्फिडेंस जाग रहा है अंदर से। हाँ, मैंने बोल, वैसे कह रही हूँ ना, खुद को कह रही हूँ, 1 साल लगे कोई बात नहीं, मेरे को पूरा 32 बार को टाइम देना है अपना। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई हेल्थ इश्यू जो ठीक हो गया है वजन घटने की वजह से, ऐसा कुछ? बॉडी पेन सबसे बड़ा, मेरा भी बॉडी पेन था, डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर बोलते वजन कम करो, वजन कम करो। और मेरे को पता, मैंने पहले किया था, तो मैंने सुबह जिम जाती थी, शाम को जुम्बा करती घर पे, रात को वॉक करती, तब मेरा वजन कम हुआ था। खाने में ओट्स, दलिया, मल्टीग्रेन रोटी, उबली हुई सब्जियां, वो खा के वेट लूज किया था। अब तो मैं सब कुछ खा रही हूँ जो घर पे बन रहा है, मिठाई, पर वो लिमिट में, फिर भी वेट लूज हुआ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। और कोई कोई खर्चा वर्चा तो नहीं हुआ इसको वजन कम करने में, कोई पैसे वैसे? बिल्कुल नहीं, मैं तो सब लोगों को कहूंगा जी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और ये जो 32 बार का फॉर्मूला है ना, ये मुफ्त है सबके लिए, बिल्कुल फ्री है। इसको फॉलो करो, वीडियो में पूरा निचोड़ निकाल के बता रखा है। हर कोई बताता है कि हमने ऐसे ऐसे किया। और देखो ना, ये कह रहे हैं हीमोग्लोबिन कभी 10 से ऊपर आया नहीं था, अब मेरा 12 से भी ज्यादा हीमोग्लोबिन है, 12-13 रहता। कम खाना खाने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया, खाना भी टेस्टी लग रहा है, कमर का साइज भी घट गया, बॉडी पेन भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, और कपड़े भी जो है वो लूज होते जा रहे हैं। और आलस की समस्या मैडम देखिए आपने, कि आलस था पहले? नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं, पहले था जब वजन बढ़ा हुआ था, आलस था? सर काम खत्म करती, ऐसी हालत खराब होती है कि अब मेरे को कोई सुला दे बस। अब तो सारे दिन काम करती रहती हूँ। अब क्या होता है, जब हम ये 32 बार से वजन कम करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जमा हुआ फैट हमें एनर्जी देता है। और जो ये फैट जो एनर्जी देता है ना, ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। आपको पूरा दिन सोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खूब भागोगे दौड़ोगे, खूब मेहनत करोगे, और जिंदगी एकदम चमकदार हो जाएगी, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का, कोई कमजोरी नहीं आएगी। इसके साथ आप थोड़ी बहुत अगर वर्कआउट भी करना शुरू कर दो ना, तो फिर आप लोगों की बॉडी भी शेप में आएगी, कपड़े पहने हुए भी बहुत सुंदर लगेंगे, ना ही कोई स्ट्रेच मार्क पड़ेगा, कोई ऐसा स्ट्रेच मार्क वगैरह, लूज स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं आई मैडम? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा जी। तो आप भी इनकी तरह करें, धानु जी की तरह। और क्या बोलते हैं अपना, मैं फिर से दोबारा से बता दूं कि करना क्या है। करना यही होता है कि जब आप रोटी खाएं या चावल खाएं, आप छोटे निवाले लें रोटी का टुकड़ा। धानु जी बोल रहे हैं कि मैं एक स्टैंडर्ड साइज रोटी, ज्यादा बड़ी रोटी तो नहीं होती, नॉर्मल रोटी होती है ना, नॉर्मल रोटी होती है। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज रोटी में से ये बोलती हैं कि मैं 35 टुकड़े निकालती हूँ, 35। मैं बोलता हूं अगर आप 25 से 30 टुकड़े भी निकाल लोगे ना, तो भी आपका वजन कम होगा, लेकिन जितने ज्यादा टुकड़े करोगे उतना बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि फिर मजा नहीं आता मैडम, जब छोटे टुकड़े होते हैं तो स्वाद आता है या नहीं आता? बहुत आता है सर, बहुत आता है। और आप रियल में चाहो स्वाद, तो रियल में तो स्वाद 32 साल करने के बाद ही आया है। वेरी गुड, असली स्वाद खाने का धीरे चबाने के बाद ही पता चलता है, मजा आ जाएगा सिंपल सी सब्जी खाने का भी। तो पहला स्टेप क्या है, छोटे टुकड़े, दूसरा स्टेप है उसको खूब चबाना और मुंह में पानी बनाना, फिर अंदर लेके जाना, तीसरा स्टेप है खाना खाने में समय लंबा लेना। धानु जी 45 मिनट लेती हैं खाना खाने में,
मैं बोलता हूँ कम से कम 30 मिनट तो लो ही लो। जिनका वजन ज्यादा है ना, वो 5 या 10 मिनट में खत्म कर देते हैं खाना। 20-25 मिनट बाद एक डकार आती है हर किसी को। आपको आती है धानो जी वो डकार? खाना आती है सर। खाते खाते 20-25 मिनट बाद एक डकार आती है। वो डकार नहीं है, वो सिग्नल है आपके ब्रेन को कि पेट भर गया। और जितनी ज्यादा डकार आएगी ना खाना खाने के बाद आपको, आप उतनी ज्यादा देर तक फुल महसूस करोगे। काफी लंबी देरी तक भूख ही नहीं लगती। ऐसा ही होता है मैडम? आप हाँ बता रहे क्योंकि हो रात मैं को भूख ही नहीं लगती। सर, मेरे को 25 साल इसके मतलब जादू जैसा लगता है। खाना खा लो, एक रोटी ताजा नहीं, एक रोटी और एक प्याज सब्जी, और फिर 5 6 घंटे बाद भूख का एहसास ही नहीं होता है। वेरी गुड, आप जादूगर हो, वो जादू आपको हमको मैडम दिया आपने। बिल्कुल आम इंसान हूँ, बिल्कुल आम इंसान हूँ। सब करने वाला वो भगवान है, वो ही करवा रहा है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, वो ही करवा रहा है, सब करवा रहा है। तो आप लोग भी ऐसा करें जी, और खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। और इनको, धानु जी को तो लो बीपी की शिकायत है, जिनको लो बीपी की शिकायत नहीं है ना, वो अगर हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना खा लोगे तो और भी जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। ये 5 बातें अगर कोई भी करेगा तो मुझसे स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प लगवा के लिखवा के ले जाओ। रोक ही नहीं सकता कोई आपका वजन कम ना हो, पक्का वजन कम होगा। और देखो, मुझे ये वीडियोस बनाते हुए ना करीब हो गए हैं, 5 साल हो गए। 5 साल में लाखों लोग ऐसे हैं, हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है। आज भी प्लीज कमेंट करना, जिन जिनका वजन 32 बार से हुआ है कम, वो वीडियो के नीचे कमेंट भी करना और धानु जी को बधाइयां भी देना कि इनका वजन कम हुआ और इनकी डॉटर का भी। इन 5 सालों में लाखों लोगों का वजन कम हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारा नहीं हो पा रहा। तो जिनका नहीं हो पा रहा ना, उन लोगों के लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। आपने भी देखा होगा धानो जी, मैंने वो कोर्स अभी आज लॉन्च किया है। वो कोर्स हाँ इतना कमाल का है जी। क्यों कोर्स बनाया? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पैसा दे देते हैं ना किसी चीज के लिए, बहुत छोटी सी अमाउंट, 799 अभी उसकी अमाउंट रखी गई है, जब वो किसी चीज के लिए पैसा दे देते हैं तो सीरियस होके सुनते हैं उस बात को। कुछ लोग तो बिना पैसा दिए बहुत सीरियसली सुनते हैं, जैसे धानो जी। कुछ लोग पैसा देने के बाद सीरियसली सुनते हैं। और उस 10 दिन के अंदर मैंने पूरी ताकत लगा दी उस कोर्स के अंदर। 10 दिन के बाद भी आप अपना वेट चेक करोगे ना, आपको वेट कम मिलेगा अपना उस कोर्स को लेने से। तो उस कोर्स को लेना, तो उसकी डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वजन घटाने के लिए जो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है, ग्रीन टी कैसी लगती है मैडम आपको? अच्छी लगती है हमारी ग्रीन टी? जी हमारी जो ग्रीन टी है, 32 बार वाली ग्रीन टी, ये स्पेशली वजन घटाने के लिए बनी हुई है। और इसके रिजल्ट कमाल के हैं। मैं पर्सनली इसको पीता हूँ, मजा आ जाता है पी के, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और वजन भी घटता है। तो वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी। और मीशो पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, अमेजोन पे भी मिल जाएगी। वहां से जितना भी प्रॉफिट है, और ये जो कोर्स से भी जो पैसे आ रहे हैं, इस पैसे से हम एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, जिस हॉस्पिटल में किसी के इलाज के लिए हम कोई पैसे नहीं चार्ज करेंगे। वो हॉस्पिटल बनेगा और आप सब लोगों का वजन भी कम होगा। तो आप हमें वहां से सपोर्ट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद धानु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू धानु मैडम, थैंक यू।